आफरीन जी आंटी, ये नुकर वो मिकाल के साथ बाहर गई है। मिकाल के साथ? तो फिर शुरू हो गए आफरीन? नहीं आंटी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आप एक काम करें, आप फोन करके खुद पूछ लेना। हेलो निकाल, नया का फोन तुम्हारे पास कैसे? हाँ बात करो मेरी नेहा से। मोमानी जान, वो अंदर गई है डॉक्टर के पास। रानिया उसके साथ है। शायद नेहा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए रानिया उसे चेकअप के लिए लेकर आई है। अच्छा ठीक है, आ जाए वापस तो उससे मेरी बात करा देना। जी, जैसे वो बाहर आती है मैं आपकी बात करवाता हूँ। ओके मोमन जी। रानिया उसके साथ गई है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आइंदा से ख्याल रखना, अधूरी बात बता के गलत फहमी पैदा करने की कोशिश ना किया करो। निकाल, तुम्हें क्या जरूरत थी कॉल रिसीव करने की? बार बार कॉल आ रही थी, मुझे लगा मोमानी जान परेशान हो रही होंगी, इसलिए उठा ली कॉल। ओके ओके रिलैक्स, मैंने मोमानी को बता दिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नीनू, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। मुझे लगता है अफरीन फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं जब निकल रही थी तो हमें देख रही थी। पता नहीं क्या मसला है आफरीन को, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। वो सिर्फ आपके पीछे नहीं, हम सबके पीछे पड़ी हुई है। उसका बस चले तो हमारी खुशियों को आगे लगा। वकार को बताऊंगी इस हरकत के बारे में। नहीं नहीं रानिया, छोड़ दो भाईजान को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। पहले ही नाराज है वो आफरीन भाभी से बात नहीं कर रहे, दोनों के बीच मजीद दूरियां हो जाएंगी। हम उसकी भलाई का सोचें, और वो है कि सिवाय बुराई के उसको कोई ख्याल नहीं आता। चलते हैं, बस मैं बहुत थक गई हूँ।